दोस्तों माय स्टूडेंट्स, आज हम मोबाइल के बारे में बताने जा रहे हैं। मोबाइल क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है और मोबाइल का पूरी हिस्ट्री बताएंगे, पूरा इतिहास बताएंगे कि मोबाइल कैसे काम करता है, मोबाइल के क्या लाभ है, क्या फायदे नुकसान क्या है, सभी बताएंगे इस वीडियो में। इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज सभी चीज़ें बताएंगे। आप मोबाइल के बारे में पूरा आज इस वीडियो में जानकर जाएंगे कि मोबाइल कहाँ से कब, इसकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे, कब से शुरू हुआ, कितने ईस्वी कितने सन से शुरू हुआ, कितनी समय से शुरू हुआ और कब इसकी नींव रखी गई, और कब से लेकर आज इस ज़माने में 5G के ज़माने तक आपको कैसे कैसे इसका जनरेशन बढ़ता गया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट्स पर आएंगे और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर हम स्टूडेंट से रिलेटेड सभी स्टडी संबंधी वीडियोज और उससे टेक्निकली संबंधी वीडियो, एक स्टूडेंट की जो भी जरूरत होती है कुछ टेक्नोलॉजीज और कुछ स्टडी संबंधी वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमने ये पोस्ट लिखी है, इस पोस्ट में आपको पढ़कर भी पता चल जाएगा। इस पोस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको हम पढ़ करके एक डिटेल बताना शॉर्ट में डिटेल बता देंगे, आपका वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं एक ज़माना हुआ करता था जब हम बात करने के लिए, बात को पहुंचाने के लिए अपनी चिट्ठी को कबूतरों द्वारा भेजते थे या डाकिया द्वारा भेजते थे, तो डाकिया ले जाता था, टाइम लगता था, बहुत टाइम लगता था। तो क्या होता था कि कुछ साल पहले फिर फोन का आविष्कार हुआ, जैसे टेलीफोन आया, टेलीफोन भी सभी के पास नहीं था लेकिन वो वायरलेस नहीं था, वो केबल से था, तो वायरलेस नहीं था, तो वो भी आया, तो उससे हम बात करेंगे। तो इतना सिस्टम था कि टाइम लगता था बात करने में, और हम जैसे बात पहुंचाना चाहते हैं तो किसी दूसरे के पास, टेलीफोन का भी ज़माना आया तो टेलीफोन पे जाते बात करते, तो इस तरह से जनरेशन इसका बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ा। तो लेकिन टेलीफोन के बाद जैसे ही मोबाइल का आविष्कार हुआ, ये लोगों के हाथों में आया और वैसे ही सब कुछ बदल गया। अब आप लोगों की एक जगह से टेलीफोन से चिपक कर बात करने की ज़रूरत नहीं रही है, और लोग कहीं पर बैठ कर लेट करके कहीं पर भी बात कर सकते हैं। या मोबाइल फ़ोन स्मार्ट फोन में अब बदल चुका है, इस स्मार्टफोन को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जाते हुए चलते हुए दौड़ते हुए कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और इंसान जो है, इंसान जो भी है, इसके जीने का तरीका बदल चुका है, सारी चीज़ों को जानकारी यहाँ से ले रहा है और सभी अपने लाइफ को डेवलप कर रहा है, और तरह तरह की परेशानियों की समस्याओं का हल इस पर ढूंढ करके अपनी समस्या को हल कर रहा है, बहुत सारे फायदे ले रहा है। तो एक आदमी जो अकेला रहता था, वो अकेले बहुत ही बोर हो जाता था, पर आज मोबाइल के कारण से वो बोर नहीं होता है, मोबाइल का अच्छे यूज करके वो अपने एक साथी के रूप में उपयोग कर रहा है। तो क्या चाहते हैं कि मोबाइल का आप डिटेल पाना चाहते हैं तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखते रहिए। तो क्या आप मोबाइल के बिना रह सकते हैं, अगर पूछा जाए कि क्या आप मोबाइल के बिना रह सकते हैं तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है। तो इसमें से आप होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं 100% लोग, मैं 80% लोग हैं कि मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनकी जान बन चुकी है मोबाइल। तो ये मोबाइल जो है एक चमत्कार है, ठीक है, इसका जानकारी हम विस्तार में चलिए लेते हैं, विस्तार में कैसे क्या है। ठीक, तो मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री चलते हैं, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन की पहले हम हिस्ट्री चलते हैं, देखते हैं मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री। जैसे ही मोबाइल इतिहास की बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन की इतिहास कल्पना तो बहुत पहले की गई थी। तो क्या है कि अगर हम बात करें आखिर मोबाइल फ़ोन की कल्पना कब की गई थी, जवाब होगा कि रेडियो इंजीनियरिंग जब चालू हुई थी, रेडियो इंजीनियरिंग चल रही थी तो अपने शुरुआती दौर में भी था कि तभी से आने वाली न्यूज़ की रख दी गई थी। और हम इसमें ज़्यादातर तो लोगों को लगता है कि मोबाइल फ़ोन के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, तो आप उसमें से होंगे जरूर, ठीक है, इसके बिना गुजार नहीं सकते। भले ही एक आम आदमी का मोबाइल फ़ोन हाल ही में मिला हो, अभी तत्काल में एक फ़ोन अगर किसी को मिला हो, लेकिन शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा हो, लेकिन वो भी मोबाइल फ़ोन के बिना अब नहीं रह सकता। अगर वो कुछ टाइम बिता लिया हो मोबाइल के साथ, अगर स्पेंड कर लिया हो तो टाइम, तो समझ लेगा कि मोबाइल की क्या कीमत है। ठीक, तो जब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि जब 1908 में अमेरिका के केंटकी में वायरलेस मोबाइल की, केंटकी में जो वायरलेस की जो पेटेंट जारी किया गया, तो 1940 के दशक में शुरुआत मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया, 1940 के दशक में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया। AT&T के इंजीनियर्स ने मोबाइल स्टेशन के लिए मोबाइल फ़ोन बनाए, और दुनिया को जो पहली मोबाइल फ़ोन था, अगर माने तो एक मोबाइल फ़ोन जैसा नहीं बल्कि एक ट्यूबे रेडियो था, जैसा कि वॉकी टाकी कहा गया,
उसको वाकी टाकी बोला गया था और वाकी टाकी की तरह काम करता था। ठीक है, तो मेट्रोला, मेट्रोला दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल फ़ोन का मास प्रोडक्शन किया था। और उस वक्त मोबाइल को 0G फोन की कैटेगरी में रखा गया था, 1G 2G 3G ये सारी चीज़ें, 0G फोन कैटेगरी में रखा गया था जो फ़ोन निकला था, जिसे 0G की टेक्नोलॉजी बोला जाता है। आजकल तो 4G 5G मोबाइल का ज़माना चल रहा है, तो आज हम जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं शुरुआती में कुछ ऐसा नहीं था, कुछ अलग था, तो आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं कि बदलाव कितना हो गया है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन के जो टेस्टिंग प्रोसेस था इस तरह था, यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग और तरह तरह की टेस्टिंग की गई। उसके बाद सुधार करते हुए चला गया, स्मार्टफोन में चेंज हो गया और तरह तरह के उसमें से लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर्स का डेवलप किया गया और तरह तरह के उनमें से पार्ट्स को डेवलप किया गया कि जिससे कि वायरलेस चेंज हो गया, ब्लूटूथ में चेंज हो गया, तो बहुत चेंजेस किए गए मोबाइल में। तो इस तरह से इसका जनरेशन चेंज हुआ। चलते हैं तिथियों पर, बढ़ते हैं तिथियाँ क्या क्या थी, कैसे कैसे जनरेशन बढ़ता गया। तो 1926 में पहली बार मोबाइल फ़ोन किसी वक्त बर्लिन में 26 में हमर के बीच यात्रा करने वाले पैसेंजर को सफलतापूर्वक की गई थी। तो यहाँ से इतिहास तिथियाँ ध्यान में रखते चलिएगा। 1926 में बर्लिन में मोबाइल फोन किसी वक्त पहले की गई। उसके 1946 में शिकागो में कार रेडियो टेलीफोन में पहली बार फोन किया गया, शिकागो में 1946 में। 1956 में स्वीडन में प्राइवेट वाहनों में ऑटोमेटेड मोबाइल फ़ोन सिस्टम लगा दिया गया था, जिसमें कुल उपयोगकर्ता 125 उपयोगकर्ता थे। 1969 में नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन ग्रुप नामक कंपनी की स्थापना की गई थी। 1973 में मेट्रोला कंपनी के जनरल मैनेजर मार्टिन कूपर ने किसी डिवाइस में पहली बार पब्लिक मोबाइल फ़ोन कॉल किया, जिसका वजन था 1.1 kg था। ठीक है, तो पहले आप समझ रहे हैं कि पहले 0G के बाद 1G 2G 3G 4G। 1G का फ़ोन कैसे इस तरह था, ठीक, 1G का फ़ोन कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये 1G का फ़ोन था और 2G का फ़ोन इस तरह से हुआ, 3G का फ़ोन स्मार्टफोन में थोड़ा चेंज हुआ, 4G का और डिजिटली स्मार्टफोन थोड़ा, और 5G का फ़ोन तो अब स्मार्टली बहुत ही बेटर हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर देख सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। स्पीड के बारे में अगर बात करते हैं तो 1G की स्पीड 2 kbps थी, और इसके बाद आपका इसका 2G थोड़ा 84 kbps इसके बढ़ती गई, मतलब 2 mbps उस kbps में थी, उसके बाद 2 mbps 100 mbps और इसके बाद 10 gbps स्पीड हो गई। तो स्पीड की बात तो अलग ही है, क्योंकि जैसे जनरेशन बढ़ता जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। और तिथियों की बात करते हैं तो और तिथियां क्या थी, 1987 में डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पर GSM स्टैंडर्ड के लिए टेक्निकली स्पेसिफिकेशन को प्रमाणित किया गया 1987 में। 1992 में यूनाइटेड किंगडम में पहली बार SMS मैसेज भेजा कर शुरुआत की गई, SMS भेज करके शुरुआत की गई 1992 में यूनाइटेड किंगडम में। 1999 में इमोजी का आविष्कार किया गया था, इमोजी जो भेजते हैं आप मैसेज में देखते होंगे तमाम इमोजी, तो आविष्कार जापान के सिगटेगा कुर्तिया थे। और इसके बाद 2003 में पहला 3G नेटवर्क कनेक्शन दुनिया ने अपनाया, दक्षिण एशिया में नेपाल वह देश था जिसने सबसे पहले 3G इस्तेमाल किया था, नेपाल, याद रखिए नेपाल 3G इस्तेमाल करना पहला देश बना, और माउंट एवरेस्ट की इन्होंने 3G से पूरा कवर किया था। और 2007 में इसी साल आईफोन लॉन्च किया गया, 2007 में आईफोन लॉन्च किया गया था, ध्यान में रखिएगा। ठीक, और 2008 में टी मोबाइल G1 के रूप में पहला एंड्रॉयड फ़ोन लाया गया, 2008 में एंड्रॉयड फ़ोन पहला फ़ोन लाया गया। ये तीन तिथि याद रखिएगा, 3 में आपका 3G नेटवर्क, 7 में आपका आईफोन और 8 में आपका एंड्रॉयड फ़ोन। उसके बाद 9 में O2 लोगों ने अनाउंस किया कि सफलतापूर्वक 4G कनेक्शन प्रयोग LTE के रूप में किया गया, 9 में LTE का संचालन किया गया, पूरी तरह से इसका टेस्टिंग की गई। और 10 में सैमसंग ने पहला गैलेक्सी S स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से 2017 में नोकिया 3310 के पुराने वर्जन को फिर से डेवलप करके नया कर दिया गया, और कैमरा, वेब ब्राउजर, कलर स्क्रीन और फीचर दिए गए तरह तरह के। अब स्मार्टफोन में आप समझ सकते हैं कैमरा लाया गया, वायरलेस ब्लूटूथ, वायरलेस के रूप में वाईफाई, तमाम चीज़ें इसमें से आपको, उसका साउंड क्वालिटी भी चेंज किया गया और उसमें टॉर्च दिए गए, तो तरह तरह के फंक्शन चेंज किए गए हैं। जैसा कि आपको समझ सकते हैं कि 5G आजकल का टेक्नोलॉजी बहुत ही स्मार्टफोन जिसमें स्पीड आपकी 5G में बहुत होने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ की हम लिस्ट दिए गए हैं यहाँ पर, 1G जो 1980 में, और 2G आपका 1990 में, और 2G
2.0 इतने से यहाँ से 5G 2020 में आपका आ चुका है, लेकिन अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। ऐसी टेस्टिंग के पता चला कोरोना बीमारी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अफवाह है। ठीक है, स्पीड के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पीड के बारे में इसकी देख सकती है। और सपोर्ट क्या क्या करता है, वॉइस ओनली, SMS, MMS, वेब और वीडियो कॉलिंग, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग, वीडियो IP। और इस तरह 5G में सभी चीज़ें आपकी 1GB की भी इसके आपके आसपास ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ से इसके टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा देगा, टावर से आपका कनेक्शन होता है, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के जबरदस्त फायदे हैं। तो हिस्ट्री अपने देख ली, अब मोबाइल क्या है, मोबाइल के बारे में चलते हैं, हम देखते हैं मोबाइल क्या है। ठीक है, उसके बारे में चलते हैं, मोबाइल कैसे काम करता है। तो एक अनुमान के अनुसार 2019 तक करीब 4.8 बिलियन मोबाइल यूजर हो जाएंगे। आप 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 तक ऐसे बोला गया था, लेकिन 2021 के आसपास आपका मोबाइल की यूजर जो है 5 बिलियन से ज़्यादा, 5.5 बिलियन या 6 बिलियन के आसपास हो जाएंगे यूजर, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर हम जो लिखा गया है ये 2021 में आपका मान चलिए 6 बिलियन के आसपास हो जाएंगे। तो आसान शब्दों में कहें कि मोबाइल फ़ोन एक टू वे रेडियो है जिसमें ट्रांसमीटर, दूसरा रिसीवर रेडियो होता है। जब आप दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है रेडियो वेव में आपकी जाते हैं, रेडियो वेव्स जो होते हैं इधर उधर ट्रांसफ़र होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, थोड़ा स्कैटर हो जाते हैं, वो वेव में हवा में स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और वो रेडियो वेव्स अब हम फोन लिए हैं तो हमारे शरीर से भी क्रॉस करते हैं, हमारे शरीर से कुछ ट्रांसमिट मतलब पार नहीं होते हैं तो खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वेव्स खराब हो जाते हैं, बहुत सारे वेव टावर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये सेल फोन टावर तक ट्रांसमिट कर दिया जाए और सेल टावर नेटवर्क अपने दोस्त को फिर से उसे फोन में रेडियो वेव्स में भेज देता, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो कन्वर्ट कर देता है साउंड में, और साउंड फिर जाकर आवाज़ आपको सुनाई देता है। ठीक है, मोबाइल फोन टाकी वाकी के ऊपर आधारित है, तो आप वाकी टाकी जो पहले हुआ था उसी पे आधारित है, उसे विकसित होता हुआ चलाया और कॉल करना रिसीव करना होता है। तो इस तरह से आजकल इंटरनेट के ज़माने में तो मल्टीमीडिया कैमरा भी हो रहा है, स्मार्टफोन में डेवलप हो चुके हैं और स्मार्टफोन में आप समझ रहे हैं कितना वर्क हो रहा है। तो प्रोसेस ऑफ वर्किंग मोबाइल फ़ोन का वर्किंग क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे बढ़ता गया। तो रेडियो वेव्स पहले समझते हैं, रेडियो वेव्स क्या है कि मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि आवाज़ों को रेडियो वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ट्रांसमिट करती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और रेडियो वेव्स सारे डाटा को लेकर लाइट्स को स्पीड के साथ चलता है, लाइट्स की स्पीड के साथ चलता है, और मोबाइल से जो रेडियो वेव्स निकलते हैं वो हर डायरेक्शन में फैलता है, बताया हमने। तो टावर तक पहुँचते पहुँचते बीच में चीज़ें जो मिलती है उसे डिसमिस हो जाता है, उससे एब्जॉर्व कर लेता है, रिफ्लेक्ट भी हो जाता है उससे रेडियो वेव्स, तो इससे कुछ नष्ट भी हो जाते हैं, इसलिए टावर कम हो जाता है कहते हैं। तो एंटीना जो होता है, एंटीना हमारे स्मार्टफोन में, एंटीना हर सेल फोन में एक एंटीना जरूर होता है, रेडियो सिग्नल में रिसीव और ट्रांसमिट करता है एंटीना जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को, किसी में एक एंटीना, किसी में दो एंटीनाज होते हैं, आप ध्यान में रखिएगा, रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करता है और साथ ही रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। तो एंटीना जो है इस तरह से टावर्स को आपको एक दूसरे से फोन में संपर्क कराते हैं, जिससे कि अभी इमेज में दिखाया गया। मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या, मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी दुनिया भर में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं, जैसे यहां से इसके फायदे और नुकसान टोटली हम बात करते हैं। दुनिया भर में कहां और कैसे कारोबार होता है टेक्नोलॉजी पर आधारित है, मोबाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मोबाइल टेक्नोलॉजी इन सब में आगे है और नए नए लाभ दे रही है, कि पहले इतनी सोचा भी नहीं था, कि लोगों को ऐसा सपने भी नहीं आए थे कि ऐसा होगा आगे जा के। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी कार में बहुत इफिशेंसी बढ़ाता है, तो वजह से लोगों को बीच में पॉपुलर डिमांडिंग होते जा रहा है। मोबाइल तकनीकी से लोगों को जीवन में बहुत से खास असर हुआ, सोचा भी नहीं था कि आराम, ऐसा आराम मिलेगा, ऐसे बात करने को, ऐसी जानकारी हमें मिलेगी, इन सब की बातें हमें सोचा ही नहीं था। दुनिया में हर कोने में इस्तेमाल होते जा रहे, बढ़ते जा रहे, मानव जीवन में बहुत ही आवश्यक हो गया है, हर जगह देखने को मिलेगा मोबाइल फ़ोन। और अब VPN और वाईफाई तकनीकी के सहारे से कंपनी का कोई भी कर्मचारी, सभी नई कंपनी नेटवर्क कार्यभार तक पहुँच, सारी चीज़ें सुविधाजनक, बैंक काम हो, कोई भी काम हो, कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हो, कोई भी चीज़ का काम हो, मोबाइल के सहारे से चल रहा है। और आप समझ सकते हैं स्मार्टफोन में ऐप्स जो हैं, ऐप्स को हम
तरह तरह के जो गेम्स हैं, गेम्स को यूज कर रहे हैं, ऐप्स को हम अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको अपनी लाइफ को डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में। तो व्यवसाय जो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हम अपने यूज कर रहे हैं मोबाइल का अच्छी तरह से। तो स्मार्टफोन जो है हमारा एक ऐसा जरिया बन गया है कि एक अगर हम कर्मचारी हैं तो अपने कर्मचारी का आधा काम हम मोबाइल फ़ोन के स्मार्टफोन में, आप समझ सकते हैं स्मार्टफोन का कितना यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है लोगों को अपना डेटा रखने के लिए काम कर रहा है, अपने डेटा, अपनी सारी फाइलें से उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं इंटरनेट पर, या अपनी पर्सनल फाइल को वहाँ पर स्टोर कर रहे हैं और उसको फिर अपनी लाइफ में जब भी काम पड़ता है उसको यूजेस कर रहे हैं। तो इंटरनल स्टोरेज के रूप में उसको रख रहे हैं और यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से मोबाइल फ़ोन अच्छी तरह से काम रहा है। हमारे बैंक में हमारा कोई बैलेंस इंक्वायरी करना हो तो मोबाइल फ़ोन वर्क कर रहा है। वो बैलेंस के बारे में कोई भी देश विदेश की जानकारी ले रहे हो, न्यूज़ की जानकारी ले रहे हो तो मोबाइल फ़ोन काम कर रहा है। तीसरा, तो मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ है। आजकल बहुत सारे ऐप्स निकल गए हैं, इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और साथ साथ बुरा भी हो प्रभाव पड़ रहा है। चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना भारी भी पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी जितना ही कार्य आसान कर रहा है, हमें खुद पर निर्भर भी करवा रहा है। इस बात पर खास ध्यान दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पर निर्भर ना रहें और इसके फ़ायदे को हम अपने हिसाब से ध्यान में रखें कि मोबाइल फ़ोन जो है हम इतना छोटा है कि उसको अपने पॉकेट में रख करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो उसको 24/7 जिसको कहते हैं 24 घंटे हम काम कर सकते हैं इसके प्रयोग से। हमेशा हर एक हफ्ते में, हर एक दिन, हर एक घंटे, हर एक पल इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें से जो ऐप है तो हम जैसे कि आजकल टिकट बुकिंग होते हैं, टिकट बुकिंग का काम कर सकते हैं, इसे मोबाइल से कर सकते हैं, हमें जाना नहीं पड़ता, साइबर कैफ़े जाना नहीं पड़ता है। अब साइबर कैफ़े की जगह हम अपने मोबाइल से सारा काम कर ले रहे हैं। 3G 4G की नेटवर्क की स्पीड बढ़ते हुए हम सारे काम अपने मोबाइल से कर सक रहे हैं, सारी चीज़ें हम अपने मोबाइल में कर रहे हैं। पर इससे मोबाइल के कुछ नुकसान भी हैं, उस नुकसान को चलते हैं देखते हैं। तो जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम समझ रहे हैं कि अभी तक जाना है कि मोबाइल फ़ोन से सिर्फ फायदे होते हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन में नुकसान भी, जिनकी जानकारी रखना भी ज़रूरी है। कुछ लड़के लड़के ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न देते हुए मोबाइल फ़ोन पर ऐसी लत लगी रहती है कि रियल लाइफ से उनका कोई लेना देना नहीं रहता है और हर तरह वो पढ़ाई लिखाई से कहीं ध्यान देते हैं। ठीक, मोबाइल फ़ोन के लगातार इस्तेमाल से लोगों सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। दिन भर ढेर सारा रेडिएशन शरीर के अंदर जाता है, वो नुकसान करता है। यहाँ तक लोग सोते वक्त भी मोबाइल फ़ोन को अपने सर के आसपास रखते हैं तो रेडिएशन जो होता है, रिएक्शन, उसका रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है, उसको वेव्स जो होते हैं नुकसान करते हैं। अक्सर लोगों को ऐसी आदत होती है कि ड्राइविंग करते वक्त फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं और ख़तरनाक होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो मोबाइल फ़ोन नुकसान भी है। हमें मोबाइल फ़ोन को इंटरनेट और कॉल के इस्तेमाल करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं और खर्च भी बढ़ जाता है। आजकल मोबाइल फ़ोन हम अपने हर डाटा से पर्सनल कॉन्फिगरेशन भी रखते हैं। अगर कभी भी मोबाइल फ़ोन का चोरी हो जाए, आपका चोरी हो जाता है या कोई हैक कर लेता है तो आपका डिटेल भी ले जाकर आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए मोबाइल फ़ोन नुकसानदायक भी है, इसका अच्छा यूज़ करें, अच्छी तरह से यूज़ करें और कम यूज़ करें, सीमित यूज़ करें। तो मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने के लिए नींद नानी की समस्या बढ़ चुकी है, नींद नहीं आती है, रात रात भर मोबाइल पर लगे रहते हैं, सोते नहीं हैं, लड़के लड़कियां सोते नहीं थे, बड़े से बड़े लोग जागते रहते हैं। इसका संक्षेप में अभी इसका डिटेल हम बताते हैं कि दोस्तों आज हम मोबाइल फ़ोन को जो जानकारी दी है उसको कैसा लगा है, इसके बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा और इसका पूरा डिटेल आप PDF में जाके पढ़ लीजिएगा। मोबाइल फ़ोन ज़िंदगी को जितना ही सफल बना रहा है, जितना ही आसान बना रहा है, उतने मुश्किल में भी डाल रहा है। दूसरे एग्जांपल देने से बेहतर है कि आप खुद ही ट्राई करके देख लीजिए मोबाइल फ़ोन कितनी देर रह सकते हैं और मोबाइल फ़ोन कितनी देर नहीं रह सकते हैं। आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आप अच्छी तरह से जान चुके हैं मोबाइल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो मोबाइल फ़ोन को आप अच्छी तरह से यूज़ करें, अपने बच्चों को अच्छी तरह से यूज़ करवाएँ, अपने बच्चों के इससे बचाएं और कम से कम यूज करवाएं, आप खुद भी यूज करें और अच्छी तरह से यूज करें, क्योंकि इसके रेडिएशन हमारे शरीर को नुकसान कर रहे हैं, हमारे वातावरण में थोड़ा नुकसान कर रहा है। तो इसको अच्छी तरह से यूज करें, सोते समय इसको हमेशा न यूज करें, इसको आराम से रख दें और अच्छी तरह से नींद लें, नहीं तो ये आपकी लत लग जाएगी। तो नींद को और आपके शरीर के रोगों को थोड़ा सा नुकसान करेगी, तो इसलिए आप इसको नुकसानदायक भी फायदेमंद भी अच्छी तरह से यूज़ करें। बच्चों पर अच्छी तरह यूज़ करने के लिए इसको सचेत करें, अगर आप सचेत करते हैं तो बच्चे अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन क्या नुकसान, क्या फ़ायदे हैं, तो ये आज हमने बताया। हम अपने चैनल पर कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी संबंधी वीडियो तो डालते हैं, हम कंप्यूटर के जल्दी से कोर्स चालू करेंगे जैसे कि CCC या IDCA PGDCA की कोर्सेज शुरू करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं शुरू करेंगे और हम इंटर तक की सभी 5, 6, 7, 8 सभी क्लास की तैयारी के लिए हम इस पर मैटर डालते रहेंगे और अंग्रेजी
हिंदी सभी चीज़ें कि हम इंटर तक के सभी सिलेबस हम डालते रहते हैं, और एक स्टूडेंट के सब रियल लाइफ में क्या जरूरी है उसको हम जरूर देते हैं। न्यूज उसकी, एक स्टूडेंट की न्यूज क्या है उसको हम डालते रहेंगे। तो इतना ही वीडियो में था, अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक संतोष कुमार को दीजिए बने रहिए मेरे चैनल पर टेक्नो प्लस यूट्यूब। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।